हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उससे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स, बॉटम में यहाँ पे नथिंगनेस, पेशेंस है, साइलेंस, स्ट्रेस, बियॉन्ड इल्यूजन, मोरालिटी। नंबर यहाँ पे 577720 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके पार्टनर स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। हम कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेशेंस, साइलेंस, स्ट्रेस, बियॉन्ड इल्यूजन, मोरालिटी। बॉटम में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो यस, आपके पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, राइट। आपके पार्टनर वैसे ही पर्सन है जिनको आप दिल से अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, और सेम आपके पार्टनर का भी है, वो भी आप ही को अपना लाइफ पार्टनर हमेशा से बनाना चाहते हैं, ठीक है। आज रात की अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो इनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप दोनों का ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि आप उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है दोनों की तरफ से। आपके पार्टनर आपको इतना मिस कर रहे हैं कि बस आप सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा सोचो, आपको इनकी इतनी जितनी याद आती है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा उससे 100 गुना ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी याद आने वाली आज रात। बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपके प्यार को, आपके पास के कनेक्शन को, जो भी आपका टाइम आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किया उसको, जैसे कि दिल करेगा काश आज आप इनके पास होते। इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, दिल बहुत करेगा खुद होके बात करने का, ऑफर करने का, लेकिन पेशेंस बनाएंगे, कंट्रोल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से अपने आप को रोकने वाले हैं, और जो कि साइलेंस मेंटेन करेंगे। मतलब कि इनके दिल में जो भी बातें हैं ना, इनका दिल बहुत करता है आपको बताने का, और जो ही बातें दिल में रख रख के इनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन बताकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है ऐसा इनको लगता है, क्योंकि आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते ऐसी इनकी फीलिंग्स है। जो कि पेशेंस तब तक रखेंगे जब तक कि इनको ये दुनिया के बारे में सोचना ही बंद नहीं करते। ये पेशेंस इसीलिए रखते क्योंकि ये दुनिया के सामने आपको स्वीकार नहीं कर सकते, दुनिया के सामने जैसे कि दिल खोल के ये बता नहीं सकते कि ये मेरा पार्टनर है, इसे मैं प्यार करता हूँ, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ, ये दुनिया के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये चुप बैठ रहे, अपने आप को कंट्रोल कर रहे, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से। इनके घर वाले हो सकते, आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, और जो डिफरेंस है वही डिफरेंस से मिटा नहीं सकते। जो पहले इन्होंने आपको उम्मीद दिखाई है, वो उम्मीद तो इन्होंने तोड़ दी है, तो अब जो कि तेरे लिए मैं इतना पागल भी हो रहा हूँ, तुझे जैसे कि दिन रात सोचता रहता हूँ, विजुअलाइज करता रहता हूँ, आँखों के सामने चलाता रहता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन, इनको भ्रम होता है आपको लेके, कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है, आज रात इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके पास हो, इनके पास बैठे हुए हो, जैसे कि अगर ये लेटे हुए तो आप इनके पास लेटे हुए हो, या आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, और जैसे कि लगता है कि आप इनको आवाज़ दे रहे हो, या तो फ़ोन में कोई वॉइस रिकॉर्डिंग बज रही है जो आपकी है, या फिर गलती से आपका फ़ोन ही आ गया है जहाँ पर डायरेक्टली आपने बात करना स्टार्ट कर दिया है। इनको ऐसे इल्यूजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और आज रात भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे दिल से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको पहले कभी शादी का प्रॉमिस किया है तो ये शादी का प्रॉमिस निभाना चाहते हैं। इनको ऐसे सपने भी आते हैं जिसमें कि आपकी शादी हो रही है, और फिर जो कि डर जाते हैं कि काश मेरा ये सपना सच हो जाए, क्योंकि सपना तो मैंने खुद ही झूठ कर दिया है, क्योंकि इन्होंने किसी और को स्वीकार करके आपके सपने जैसे कि मिटा डाले हैं। तो अब जो मैंने सपना देखा था, क्या कभी भी सच होगा? ये दिल से जैसे कि आपको खोने से तो डरते बहुत ज़्यादा है। इनको पता है कि ये जो भी स्ट्रेस है ना आपसे, मतलब जो बातें बताना चाहते हो नहीं बताने की वजह से, जो स्ट्रेस है इनके अंदर, जो सब कुछ दबा के रखा है ना इन्होंने, इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, घर में भी, अपने दोस्तों से भी, और जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी। ये किसी के भी साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये दिल से खुश नहीं है। आज रात बहुत दिल करेगा बात करने का, लेकिन जो कि अपनी फीलिंग्स हाइड रखेंगे। इनकी तरफ से कुछ लोगों को एक्शन आ भी सकता है क्योंकि पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड पेल आई है,
जैसे कि छोटा मोटा कुछ हाय हेलो आ सकता है, अगर आपने इनको कुछ कॉल मैसेज करके रखा है तो उसका रिप्लाई आ सकता है, लेकिन उसमें इतना कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो। आपको डाउट में ही रखेंगे, आपको समझ में नहीं, क्लैरिटी नहीं देने वाले, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अपने फीलिंग्स को हाइड करने वाले दिल से। और जो कि फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रही है मुझे, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे ताकि वो आपको याद ना कर सके। नॉथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे, ये सब कुछ इसी वजह से कर रहे ताकि इनको ना समझ में नहीं आ रहा है, मतलब करूँ तो करूँ क्या, जीरो है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे बेटर है कि चुप ही रह जाओ। द क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पे, जो कि मतलब किंग ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड ही होता है, जो कि पैशनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, दुनिया आपके साथ बनानी, घर आपके साथ बनाना है, लेकिन अपनी गलतियाँ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आखिर आज जो मेरे हालात है, जो भी मेरी बुरी सिचुएशन है, उसकी वजह कौन है, तो वजह तो मैं ही हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है, तो लेट गो करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है ही नहीं, ये इस तरह से सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप तो इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा इनको लगता है। आपकी इच्छा कंप्लीट करना ज़रूरी है, जैसा आपको बोला गया था पहले वो मानना ज़रूरी है, लेकिन वैसा हो तो नहीं रहा है, तो मैं करूँ क्या। तो ये जो भी कह रहे हैं, ये जो भी चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये कब तक ठीक हो सकता है इनके हिसाब से, इनको कब तक इस तरह से सेफ्टी महसूस हो सकती है। टेन ऑफ वैंड्स, कम से कम 10 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बर्डन बहुत ज़्यादा उठाते हैं। शायद हो सकता है कि अपने घर के बड़े पर्सन और जैसे कि सबकी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो, तो सबकी जिम्मेदारियों के आगे फिर ये आपको नहीं देख पाते हैं, तो डीले है इनकी तरफ से एक्शन आने। मेरी इस बात का इनको पछतावा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए जो कि क्विक मूवमेंट कुछ भी नहीं लेते और आपको क्लैरिटी भी नहीं देते। इनको लगता है कि शायद ये आपको कोल्ड बिहेवियर देंगे, साइलेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो शायद आप अपना डिसीजन खुद ही ले लो, जैसे कि खुद ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। तो हम देखते हैं इस रिलेशनशिप का ऑब्स्टैकल क्या है। ट्रू मैसेज देने इनके इस रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है, करंट में ऑब्स्टैकल क्या है इस रिश्ते का, क्या प्रॉब्लम है इनकी इस रिश्ते की, करंट में ऑब्स्टैकल क्या है। ऑब्स्टैकल में यही आया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और शायद इनको कोई हक नहीं है आपको अनहैप्पी करने का, क्योंकि अगर ये आपके पास आते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं, फिर से जैसे कि अपनी जिम्मेदारी आपको दिखाते हैं, तो आप फिर से इस तरह से नेगेटिव हो जाओगे, तो ये आपको फिर से नेगेटिव नहीं करना चाहते, तो आप जैसे अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, तो ऐसे ही रहो, ये ऐसा सोचते हैं इसलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, ठीक है। ऑब्स्टेकल में यही आया है, और जैसे कि ये भी अपने फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपसे ध्यान हटाने के लिए, ये ऑब्स्टेकल में 2 रीज़न दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।